उपाय। जी आज का महा उपाय भी बेहद खास है। हमेशा की तरह आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हर कामना के लिए, जैसे मैं कोई मंत्र बताता हूं, कोई सिद्धि के लिए, कोई साधना के लिए कोई उपाय बताता हूं, तो हर कामना के लिए रुद्राक्ष की माला में कितने मनके होने चाहिए ये निश्चित बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो कितनी संख्या होनी चाहिए आपके किसी विशेष कार्य हेतु, कितने मनकों की माला आपको लेना लाभकारी होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भगवान शिव की प्रसन्नता से जीवन में सुखों की चाहत के लिए अनेक शिव भक्त जो है तरह तरह के उपाय करते रहते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं। चूंकि शिव भक्ति सरल और जल्दी ही फल देने वाली मानी गई है हमारे शास्त्रों में और बहुत सारे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है भगवान शिव से, इसलिए शिव जी की उपासना के लिए जो है विशेष दिनों में शिव पूजा और जागरण के दौरान शिव मंत्र का जाप भी बहुत ही महत्व रखता है। धार्मिक दृष्टि से जो भी शिव मंत्र का जाप करता है व्यक्ति, वह रुद्राक्ष की माला पर करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। किंतु अनेक भक्त इस बात से अनजान होते हैं कि अलग अलग रुद्राक्ष के दानों की जो रुद्राक्ष की माला होती है वह शिव मंत्र के जाप के लिए अलग अलग कामनाओं को पूरी करने वाली होती है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आपको अपनी मंत्र जाप के दौरान कितने दानों की, कितने मनकों की माला लेनी आवश्यक है जिससे आपको अपनी साधना का उचित फल प्राप्त हो सके। यदि आप 30 दाने के रुद्राक्ष की माला लेते हैं और उससे आप जप करते हैं तो यह जो जप है 30 मनके की माला पर, यह धन संपत्ति को देने वाला माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। 27 दानों के रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप अच्छा स्वास्थ्य देता है और आपको शुभ ऊर्जा प्रदान करता है। 25 दानों के रुद्राक्ष की माला से यदि आप जाप करते हैं तो यह आपको मोक्ष देने वाला होता है। किसी भी, जब आप बहुत गंभीर परिस्थिति में भी फंस जाएं तो भी आप 25 दानों के रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे तो जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हैं, जो भी आपके लिए असहज परिस्थिति है, उससे भी आपका मोक्ष होता है। मोक्ष सिर्फ मर करके अमरत्व प्राप्त कर लेना या देव स्थान में चले जाना, भगवान के शिव के चरणों में चले जाना ही नहीं होता, आपकी गंभीर परिस्थितियों से भी मोक्ष मिलना वो भी बहुत अनिवार्य है। तो सांसारिक रूप में आप मोक्ष उसको भी समझ सकते हैं। 15 दाने की रुद्राक्ष की माला यदि आप लेते हैं और उससे मंत्र जप और तंत्र की सिद्धि करते हैं तो ये अभिचार कर्म के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, तंत्र आदि कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। अभिचार कहते हैं मारण, मोहन, सम्मोहन, ये जो वशीकरण तरीके के जो भी तंत्र के प्रभाव होते हैं उसको अभिचार कर्म कहे जाते हैं। 54 दानों के रुद्राक्ष की माला पर यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे जो मानसिक अशांति है वो दूर होती है। 108 दानों की रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इस माला से जो भी व्यक्ति जाप करता है, मंत्र जाप इस माला पर करना सांसारिक जीवन की हर कामना को सिद्ध देने वाला होता है, सिद्धि करने वाला होता है। इसीलिए आम दिनचर्या में या आम जनमानस में 108 मनकों की माला का सबसे ज़्यादा प्रचलन है और सबसे ज़्यादा मान्यता है। कोई भी साधु संत, कोई भी सन्यासी, कोई भी बाबा, कोई भी गुरु अपने शिष्य को जब बताता है जाप करने के लिए तो 108 मनकों की माला पर जाप बताता है जो हर प्रकार की सिद्धि देता है आपको इस कलयुग में। तो उम्मीद करता हूँ आज जो उपाय मैंने बताए हैं आप अपने विशेष कामना के अनुसार अपनी माला का चुनाव करेंगे और उस पर अपनी जप और साधना करेंगे तो आपको आपकी जो भी आकांक्षा है उसकी साधना, उसकी सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकती है। जय महाकाल। तो आज के इस उपाय के बाद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितने मनकों की माला से आप जप तप करें और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करें। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।